हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ इसराइल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नेचर लवर इसराइल। तो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ कहने वाला हूँ यूट्यूब से। तो मेरे वीडियोस पे पहले 60+, 70+, 100 भी टप जाते थे, व्यूज़ आ रहे थे। तो अभी ऐसे क्या हुआ है, मेरे वीडियोस पे 15-10 ऐसे व्यूज़ आ रहे हैं, क्या हुआ है पता नहीं। तो यूट्यूब से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियोस को रेंट कराइए, पोस्ट कराइए और लोगों को दिखाइए। अगर लोग देखेंगे नहीं तो लोगों के पास मेरे वीडियोस पहुंचेंगे नहीं, तो मेरे वीडियोस पे व्यूज़ कैसे आएंगे। तो हम्बल रिक्वेस्ट है यूट्यूब से, तो मेरे आईडी को थोड़ा देखिए और कुछ करिए। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट मिडिल पार्ट से ही करते हैं, तो देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये देख सकते हैं, मैंने एक ट्री शेप देकर बोतल को कट करके उस पर वंडरिंग जीव का प्लांट लगाया है, ये भी बहुत सुंदर लग रहा है, देख सकते हैं। और ये मेरा डिफेनबेकिया का कटिंग्स मैंने लगाया था, देख सकते हैं ये भी चल गए हैं। और मैंने लोटस के सीड्स लगाया था, तो 5 डेज का रिजल्ट है, देख सकते हैं जर्मिनेट कितना अच्छा हुआ है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे। ऑनलाइन सीड्स मैंने मंगवाया था फ्लिपकार्ट से। अरे देख सकते हैं, मैंने बोतल को कट करके हैंगिंग बास्केट कुछ बनाया है, उस पर वंडरिंग जीव का प्लांट लगाया है, तो ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। आप इग्नोर करना वॉल को, क्योंकि वो कलर नहीं हुआ है, तो बाद में हो जाएगा। तो और ये देख सकते हैं, भिनका के कुछ प्लांट्स मेरे बच गए हैं। और ये मेरे मधुकामनी के प्लांट हैं, इस पर फ्लावर्स आ रहे हैं, देख सकते हैं, बहुत ही बूसी प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और इसके बहुत ही अच्छे हैं। और ये देख सकते हैं, चंपा प्लूमेरिया का प्लांट है, बहुत ही बूसी और हेल्दी प्लांट है मेरा। इस पर पिंक कलर के फ्लावर्स आएंगे, देख सकते हैं बर्ड्स बड़े हो रहे हैं इसके। अगर इसके जब फ्लावर्स खिल जाएंगे तो मैं उसका अपडेट दूंगा। और ये देख सकते हैं, अलमंडा का कटिंग है मेरा, ये भी चल गया है, इसको लगे हुए 2 मंथ हो गया अभी। और एक कनेर का प्लांट है, बहुत ही बूसी प्लांट है और हेल्दी प्लांट है, मैंने इतना छोटा सा लाया था, अभी इतना बड़ा हो गया अभी। और ये कुछ क्रोटन्स के कटिंग मैंने रिपोर्ट कर दिया है ग्लास पे, और ये सारे कटिंग्स लगे हुए हैं यहाँ पे, इनको मैं रिपोर्ट करा नहीं हूँ, कर दूँगा बाद में। और यहाँ देसी रोज के कटिंग है 2, इस पर भी न्यू लीव्स आने लगे हैं, ये भी चल गए हैं, इनको भी मैं रिपोर्ट कर दूँगा बाद में। और ये वाला मैं रिपोर्ट कर दिया हूँ। और ये देख सकते हैं, मेरा हाइब्रिड रोजेस के प्लांट हैं, इसके फ्लावर्स अब ख़राब होने वाले हैं, तो इनको मैं कट कर दूँगा और अक्टूबर में इनको तैयार करूँगा विंटर सीजन के लिए। सारे फ्लावर्स को मैं और रखूँगा नहीं, कट कर दूँगा। और यहाँ मेरे हाइब्रिड हिबिस्कस के प्लांट हैं, ये ऑरेंज वाला है, इस पर 1 या 2 दिन में फ्लावर्स आते ही रहते हैं। और ये पिंक वाला है, ये छोटा थोड़ा खिला है, लेकिन इस पर बड़े बड़े आते हैं और कलियाँ बहुत सारे हैं, कलियाँ बहुत सारे क्वान्टिटी का आए हैं। और ये एक्जोरा का प्लांट है, ये सेकेंड टाइम इस पर बर्ड्स आ रहे हैं, पहले जो मेरे फ्लावर्स खिल चुके थे मैंने सभी को कट कर दिया था, तो बहुत ही क्वांटिटी पे सभी ब्रांचेस पे बर्ड्स आ रहे हैं, देख सकते हैं आप। तो अगर आपके फ्लावर्स खिल के ख़त्म हो जाते हैं तो सारे को कट कर दीजिए, कट करने के बाद फिर से उस पर बर्ड्स बन जाते हैं। और ये मेरे जैस्मिन के प्लांट हैं, इसको भी मैंने कटिंग से लगाया है, देख सकते हैं कितना हेल्दी प्लांट है और कितना बड़ा हो गया है ये। और ये डोरंटा के कटिंग्स मैंने कुछ लगाया था तो चल गए थे, उनको मैंने रिपोर्ट कर दिया है ये पॉलीबैग पे। और ये मेरा बोगनविलिया का कटिंग है येलो वाला, इसको भी मैं ग्लास पे कटिंग लगाया था तो वो भी चल गया है। और ये इस पर लगे हुए हैं गमले में कुछ टैंगल हार्ट और टर्टल वाइन के प्लांट्स, तो देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, इनको मैं गमले में ही लगाया हूँ और स्टैंड पे रख दिया हूँ, देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये मैंने पॉन्ड से कलेक्ट किया है, गाँव पे ये सब होते हैं पॉन्ड पे, वाटर प्लांट है ये, इस पर पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, इसको भी मैं गमला शिफ्ट कर दूँगा। और यहाँ पे मेरे वेजिटेबल्स कुछ लगे हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ स्पिनच हैं, देख सकते हैं कितने सारे हैं। और ये ब्लैक चिली है, इस पर भी चिली आए भी और फ्लावर्स भी कुछ खिल रहे हैं। और ये भी एक स्पिनच की वेराइटी है, इसको भी खाते हैं, इस पर पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं। और ये देख सकते हैं ग्रीन चिली है, इस पर भी चिली बड़े बड़े हो गए भी, इनको मैं कलेक्ट कर लूँगा। तो पहले भी हुए तो मैंने तोड़ लिया है, तो अभी इतना ही है इस पर। और ये मेरा अमरूद का प्लांट है, इसको मैंने ज़मीन पर लगाया है, बहुत ही छोटा प्लांट लगाया था, देख सकते हैं कितना बड़ा हो गया अभी। और ये मेरे सारे हैंगिंग प्लांट्स हैं, वंडरिंग जीव, टर्टल वाइन, और देख सकते हैं यहाँ पे एक भिनका ग्रो हो गया है, भिनका का प्लांट सीड्स से। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नई वीडियो के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय।